छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर, किसिम किसिम के मनोरंजक कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमर मोबाइल ऐप न्यूज 36 लाइव ला गूगल प्ले स्टोर में जाके झट ले डाउनलोड कराओ। जय जोहार। सीपत में भाजपा मंडल के कार्यकर्ता मन किसान मन के एक एक दाना धान 2500 रुपया प्रति क्विंटल के भाव में खरीदी करे जाय बर प्रदेश सरकार द्वारा वादा खिलाफी, टालमटोल और केंद्र सरकार के ऊपर में लगाए जा रहे दोषारोपण और भूपेश सरकार के कथनी करने ला जनता के आगू रखे बर भारतीय जनता पार्टी सीपत मंडल द्वारा सीपत नवाडी चौक में एक दिवसीय धरना देगे, जेमा प्रदेश के कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता मन कांग्रेस ला आड़े हाथ लेते हुए जमके नारेबाजी करत हुए कोशिश। किसान नेता द्वारिकेश पांडे और भाजपा मंडल अध्यक्ष राज्यवर्धन कौशिक ह संयुक्त रूप ले अपन संबोधन में कही के ये धरना भूपेश सरकार ला चुनाव समय करे जाए उकर वादा ला सुरता देवाए बर देहे गए है। भूपेश सरकार 14 नवंबर ले धान खरीदी करके नई दिल्ली जाते, यहाँ जाते, वहाँ जाते, अब आखिर किसान मन धान ला रखे कहाँ। ओमन मांग करीन के सरकार 15 नवंबर ले धान खरीदी ला चालू करे, नहीं ता जबरदस्त विरोध करे जाए। किसानों की धान खरीदी करने की बजाय और नाना प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं और दुनिया भर की सब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। किसानों की धान खरीदी का समय है, किसान लोग धान रखेंगे कहाँ। अभी 14 नवंबर हो गया, पर हमारे बीजेपी की सरकार की जो 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो जाती है, धान तो रखें कहाँ किसान। किसानों का धान विगत वर्षों जब तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी 15 नवंबर से खरीद लिया जाता था और उसका पैसा जो है हमारे खाते में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। आज स्थिति ये है कि 1 तारीख से दिसंबर से वो बोल रहे हैं हम धान खरीदेंगे और धान खरीदना छोड़िए, किसानों के कुठार में घर में धान पहुँच गया है और लगातार पहुँचते जा रहा है। किसानों के पास अब कोठी नहीं है रखने के लिए, बोरा नहीं है और सरकार जो है धान खरीदी की व्यवस्था करना छोड़कर दिल्ली जाने की बात कर रही है, धान खरीदी में विलंब हो रहा है और किसानों को बड़ी तकलीफ हो रही है। आज का धरना कांग्रेस की भूपेश सरकार को उसके चुनाव में की गई घोषणा को याद दिलाने के लिए है कि अब तत्काल 15 तारीख से धान की खरीदी प्रारंभ करें, अन्यथा हम उसका जबरदस्त विरोध करते हैं और करते रहे करेंगे। अब अभी बेरा है छोटकुन ब्रेक के, ब्रेक के बाद फिर लौटबो, तब तक आप मन देखत रहो आपके अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।